Hey, what's up, people? How are you all? मैं कुछ सेटअप कर रहा था यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं. मुझे एक मिनट दो यार, बस केवल एक मिनट. राइट, आई वॉन्ट टू डू अ स्मॉल सेटिंग, उसके बाद मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा. जस्ट अ सेकेंड, बस एक सेकेंड दे दो. एक मिनट बस, हाँ एक मिनट. बाकी बताओ, आप लोगों का नया साल कैसे गया? आने वाला, मतलब अब तो आने वाला है ना. पार्टी वार्टी की सबकी तैयारियाँ हो गई होंगी, एंड आई नो सबके सब बहुत एक्साइटेड हो आप लोग. राइट, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से अपना ये लाइव स्ट्रीम कर लिया सेशन. एक सेकंड बस, एक सेकंड दे दो यार बस केवल. ओके, काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ ना दोबारा, इसीलिए हाथ सेट नहीं हुआ अभी, बट कोई बात नहीं, सेट हो जाता है. एक सेकंड बस, टाइम ख़त्म करते हैं फटाफट. ओके, राइट, आई थिंक आई एम डन. तो भाई लोगों, और बताओ सबके सब कैसे हो पहले तो? ठीक है, ऑल वेल, सबके सब अच्छे हैं? यार अर्जेंटली मुझे लाइव स्ट्रीम का सेशन थोड़ा चेंज करना पड़ा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है. एज यू ऑल नो कि न्यू ईयर आने वाला है, तो आई हैव टू गो समवेयर. ठीक है, आई हैव सम प्लान्स, तो उसके हिसाब से फिर मुझे अपने लाइव स्ट्रीम सेशन पहले करना पड़ा. ठीक है, एक घंटे पहले. आई नो बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, तहे दिल से उनसे माफ़ी है. जब आप लोग बाद में लाइव स्ट्रीम देखोगे तो कोई बात नहीं. आई नो कि लाइव देखना, अनाउंसमेंट, गिव अवे अनाउंसमेंट लाइव सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा और तड़पाएंगे हम आपको. सबसे पहले तो कुछ बात ये करनी है मुझे आपसे कि थैंक यू सो मच. ठीक है, थैंक यू सो मच. एज यू ऑल नो कि एकॉस्टिक फैमिली के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, एंड आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ऑलरेडी मैं अपनी पता कि यार जो बंदा मतलब पहले से मुझे, मतलब बहुत पहले ज़मानों से सब्सक्राइब किया हुआ, जिसने मुझे जो फॉलो करता हुआ, वो कितनी बड़ी बात होगी ना उसके लिए. मतलब कि वो भी देखता होगा ना कि मतलब कि सर ने कैसे मतलब मेहनत करके इस माइलस्टोन तक पहुँचे हैं. एंड आई नो, देखो यार, मेहनत पे पूरा बिलीव करता हूँ मैं, और मैं इसलिए आप सबको सिखाता हूँ कि आप कभी गिव अप मत कीजिए. अगर आपने गिटार सीखने की ठानी है तो आप गिटार ज़रूर सीखिए. ठीक है, ओके. तो ये तो था, तहे दिल से धन्यवाद आप सबके लिए. दूसरी बात यह है कि मैंने बताया था कि मैंने पोस्ट में इंस्टाग्राम पे डाला था दोस्तों कि जो टी शर्ट्स के अनाउंसमेंट हैं, टी शर्ट के जो अनाउंसमेंट हैं वो भी मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप सबको बताया था कि एक सेकेंड होल्ड करो, एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज अ ग्लिच. एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट. एक बार आप मुझे बता दो कि आप सबको कुछ लैगिंग तो नहीं दिख रहा ना? ऑडियो परफेक्ट है? एक बार सब मुझे यस यस करके बता दो यार प्लीज़, क्योंकि मैं लाइव भी देखता रहता हूँ ना, तो कभी कभी ग्लिच हो जाता है, इसलिए आप सब लोग बता दो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, वीडियो एंड ऑडियो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. वीडियो लैग हो रहा है, बट आई थिंक इतना लैग नहीं हो रहा होगा यार. ठीक है, आई थिंक वीडियो इज़ ओके, देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, और कई सारे लोग जिनको आपको मालूम नहीं है, जो बहुत सारे कंप्लेन कर रहे हैं लोग कि सर वीडियो ब्लर दिख रहा है, वो एक्चुअली ब्लर नहीं दिख रहा है. आपको अपनी टॉप की यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके जो क्वालिटी है उसको 720p करना है. ठीक है, राइट, ओके. एक सेकेंड और, एक मिनट रुक जाओ यार. ओके, तो दोस्तों मैं जो अगली बात आपको बताना चाह रहा था कि कुछ जो गिव अवे के रूल्स हैं वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ एक बारी. ठीक है, देखो अभी मैं आपको बता भी दूंगा व्हाट इज़ द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दूंगा. सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि यूट्यूब पे जिस भी ईमेल अकाउंट से आपने मुझे, मतलब जो गिव अवे को आपने रजिस्टर किया है, जिस भी ईमेल एड्रेस से,
वो आपके अबाउट सेक्शन में अपडेट होना चाहिए, ठीक है। YouTube पे एक अबाउट सेक्शन होता है, वो अपडेट होना चाहिए। मैंने ये पहले बताया था तो लोगों ने मुझे पूछा, सर हमें मिल नहीं रहा है, कहाँ पे उसे अपडेट करना है। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, YouTube का अबाउट सेक्शन, वहाँ पे आपका वही मेल रजिस्टर होना चाहिए, वहाँ पे लिखा होना चाहिए जिस ईमेल से आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको लैपटॉप पे बताता हूँ कि जो लैपटॉप पे यूज़र्स हैं वो उसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे, और मोबाइल के लिए भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, एक मिनट, लैपटॉप वालों के लिए राइट, यहाँ पे हम आ गए, ओके। यहाँ पे मैं अपना चैनल का नाम लिख रहा हूँ, यूट्यूब, राइट। आप देख सकते हैं जो जो मैं यहाँ पे करूँगा वो आप फॉलो कीजिए, बस स्टेप्स केवल उन्हें फॉलो कीजिए आप, ठीक है। एक मिनट, देखो ये आपका यूट्यूब चैनल है, राइट, समझ में आ गया। आपको यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में जो आपका आइकॉन होता है यहाँ पे क्लिक मारना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है योर चैनल, राइट। योर चैनल पे आप जाएंगे, योर चैनल में ये जो आपको टैब्स दिख रहे हैं, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, मेंबरशिप, स्टोर, चैनल, यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा इधर करोगे, एक एरो छोटा सा, यहाँ पे अबाउट सेक्शन है, इस पर जब क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इतना सब कुछ लिखा हुआ है। लास्ट में जैसे मैंने अपना एक ईमेल लिखा हुआ है ना, sandyastronomer@gmail.com, ये ईमेल आपको लिखना है जिस ईमेल से आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है। ये कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कस्टमाइज चैनल, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एडिट नहीं होता है, इधर आप एडिट करोगे यहाँ पे नहीं होगा, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करो, ठीक है। कस्टमाइज चैनल के बाद एक विंडो और खुलेगा, वेट, ये खुल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लिखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, थर्ड वाला जो है लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जाओगे बेसिक इन्फो में, यहाँ पे अब आप अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल स्टेप है, मैंने आपको ये बता दिया, ओके। अब मैं एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बताऊँगा कि एंड्रॉयड में जो मतलब मोबाइल में है वो कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, ये सब आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, तो अभी ये मोबाइल अपना खाली है, जस्ट एक सेकंड दो मुझे, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने लाइव स्ट्रीम सॉफ्टवेयर से, एक मिनट। राइट, आई थिंक कनेक्ट हो चुका है, एक मिनट, मुझे भी चेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक। तो देखो ये मोबाइल है आपका, ठीक है, आपको गूगल क्रोम दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो गूगल क्रोम में आपको क्लिक करना है, यूट्यूब पे नहीं, गूगल क्रोम पे, तो मैं गूगल क्रोम पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा यूट्यूब खुल गया, ठीक है। ये देखो मैं कौन सी वीडियोज़ देखता हूँ, पहाड़ से जंप मारने वाली, ये मतलब ये टर्बाइन से जंप मार रहा नीचे, ऐसी ऐसी वीडियोज़ देखता है तुम्हारा भाई, चलो ठीक है, जो भी छोड़ो इसे। आपको यहाँ पे ये आपका गूगल क्रोम है, यूट्यूब नहीं है, पहले मैं इसे पॉज कर देता हूँ, ओके राइट। जब भी आप इसे खोलोगे ना दोस्तों, तो आपका अकाउंट पूछेगा साइन इन के लिए, तो आपको उसी अकाउंट से आपको लॉग इन करना है जो आपका यूट्यूब अकाउंट है। और कई लोगों का लॉग इन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड का एरर दिखाता है, वो क्यों दिखाता है, उसमें आएगा लिखा हुआ कि कुकीज़ डिसेबल्ड, ठीक है, आपको कुकीज़ को इनेबल करना है, तो वो भी मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखो टॉप राइट साइड में गूगल क्रोम के तीन डॉट हैं, एकदम टॉप पे, वहाँ पे क्लिक मारो ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है सेटिंग्स में, ठीक है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो है सेटिंग्स, यहाँ जाओगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो नीचे लिखा है एडवांस्ड के नीचे, देखो होम पेज, होम पेज के नीचे एक्सेसिबिलिटी, उसके नीचे साइट सेटिंग्स, साइट सेटिंग्स में जाने के बाद कुकीज़ पहला ऑप्शन जो है इसको अलाउ करना है आपको, जो मैंने किया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तब आपका खुल जाएगा, नहीं तो आपका बताएगा कि रॉन्ग पासवर्ड, या फिर ऐसे बताएगा कि नॉट मतलब इनेबल्ड, ऐसे करके आएगा। जब आपका ये खुल जाएगा, गूगल आपने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट से, तब आपको फिर से तीन डॉट पे क्लिक मारना है जो टॉप पे है, उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स के ऊपर, उस पर क्लिक मारना है, राइट। तो ये आपका बिल्कुल जैसे लैपटॉप पे खुलता है, बड़ा सा डेस्कटॉप जैसे खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है जो मैंने इससे पहले आपको डेस्कटॉप में बताया था। आपको यहाँ टॉप पे जाना है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको आपका आइकॉन दिख रहा होगा, चैनल के आइकॉन पे क्लिक करो, उसके बाद योर चैनल पे जाओ, योर चैनल पे जब जाओगे तो फिर वही आएगा आपका,
आपको फिर ये साइड साइड में स्क्रॉल करना है, बिल्कुल साइड साइड में जाना है और अबाउट सेक्शन, ये आपका अबाउट सेक्शन, ठीक है, एक मिनट, ये अबाउट, फिर मैं अबाउट सेक्शन में जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे देखूंगा ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसको एडिट करने के लिए आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपका पेज खुलेगा, राइट, खुलने दो यार, फिर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे आपको एडिट करना है अपना ईमेल एड्रेस जो लिखा हुआ मैंने, और लास्ट में आपको पब्लिश पे क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है दोस्तों, बस ये था इतना ही, राइट, ओके। अब मैं इस विंडो को कर रहा हूँ क्लोज, इसका काम हो गया ख़त्म, हम लोग आएंगे इंटरमिशन पे, ओके, सब लोगों को समझ में आ गया, यस और नो, पहले बता दो मुझे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रॉब्लम हो बाद में, इसलिए मैं सबके डाउट पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, सबको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो यस सर करके बता दो मुझे एक बारी, ठीक है, क्योंकि यार मैं देखो इससे पहले वाला जो मैंने गिव अवे किया था कितना स्मूथ हुआ था, सबको परफेक्टली जैसे जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए उनको उनकी स्ट्रिंग्स टाइम से मिल गई थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। देखो जो नो बोल रहे हैं वो वीडियो को आराम से बाद में देखना, ठीक है, आराम से देखना, आपको समझ में आ जाएगा दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, जैसे जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वीडियो में साफ साफ बताया हुआ है, मैंने पूरा स्क्रीन दिखा के बताया हुआ आपको करना क्या है, बेसिकली सिंपल सी बात है कि जिस ईमेल से आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है उसी ईमेल को यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में अपडेट करना है, बस और कुछ नहीं करना है, ये एज अ प्रूफ होगा, मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कई लोग नकली ईमेल बना लेते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों पर डाउट नहीं कर रहा, आप तो मेरे सारे स्टूडेंट्स हो, बट आप ये सोचो कि इससे पहले भी आपने यूट्यूबर्स के गिव अवे देखेंगे कि कितना सारा फेक गिव अवे हो जाए, है ना, तो मतलब मैं चाहता हूँ यार कि वो डिजर्व बंदे को मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 100 ईमेल्स बना के 50 ईमेल बना के कोई फर्जीवाड़ा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। ये तो पहला जो मैंने कंडीशन बताया वो था कि आपको अपना ईमेल वहाँ पे अपडेट करना है। अभी जो विनर्स अनाउंस होंगे, जो भी विनर्स अनाउंस होंगे उसके बाद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपके यूट्यूब चैनल का आपको मुझे लिंक भेजना है जो विनर्स होंगे, ठीक है, अगर मान लो 10 बंदे विनर मैंने अभी सेलेक्ट किए पर्टिकुलर एक उस गिव अवे में, ठीक है, तो आप सबको मैं खुद मेल करूंगा, मुझे कोई मेल नहीं करेगा, जो भी विनर्स होंगे उनको मैं खुद मेल कर दूंगा, ठीक है, आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मुझे भेजना है जीमेल पे, ठीक है, मेरे ईमेल पे, मैं आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में चेक करूंगा कि आपने उसी ईमेल को अपने अबाउट सेक्शन में सेव किया है कि नहीं, ठीक है, राइट, समझ में आ गया, दिस वुड बी अ फेयर। दूसरी बात दोस्तों और यह है कि अबाउट सेक्शन में पता लग जाता है कि आपका ईमेल कितना पुराना है। देखो जब मैंने गिव अवे स्टार्ट किया था 3 महीने पहले, ठीक है, तो आपका ईमेल कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कल ही आपने क्रिएट किया या फिर 1 महीने पहले आपने क्रिएट किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्लियरली इनवैलिड, उससे क्लियरली समझ में आता है कि अभी आपने कोई 1 महीने पहले नया ईमेल बनाया है तो उससे प्राइस नहीं मिलेगा, वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अगर मान लो 10 में से 3 लोग भी डिसक्वालीफाई होते हैं, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत आगे का सोचता हूँ, अगर 10 में से 3 लोग डिसक्वालीफाई हुए तो 3 गिव अवे जो डिसक्वालीफाई हुए हैं वो दोबारा अनाउंस होंगे अगले लाइव स्ट्रीम में, समझ में आ गया, क्लियर, सबको समझ में आ गया, एक बार बता दो, ठीक है, क्योंकि ये फेयर जो रूल्स बना रहा, ये रूल्स हैं, ये फेयर रूल्स हैं, किसी के साथ वो नहीं होना चाहिए यार कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भाई को नहीं मिला या फिर कोई फिर बाद में मुझे बोले कि सर ये तो फर्जी था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने कम से कम पुराना आपका जीमेल होना चाहिए, वो अबाउट सेक्शन में मैं चेक कर लूँगा, वहाँ पे लिखा रहता है कि ज्वाइंड ऑन सो एंड सो, ठीक है, आई नो कि सब 1 साल से पहले होंगे क्योंकि आजकल सबके सब जीमेल तो 8th, 7th, 5th, 4th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं यार सबके सब, आजकल सब स्मार्ट है, राइट, समझ में आ गया दोस्तों, ओके, तो भाई लोगों ये था सेकंड कंडीशन, ओके, अभी जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने मर्चेंडाइज्ड एकॉस्टिक आर्मी की टी शर्ट्स बनवाई थी, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर बहुत महंगी है, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो जेन्यून है, ठीक है, देखो यार आजकल आपको भी पता है कि आप शोरूम में जाते तो आपको भी टी शर्ट कम से कम 1200 से कम की नहीं मिलेगी, ये तो मैंने किसी कंपनी के साथ टाई अप करके उनसे बोल के, तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार, ठीक है, लेकिन
मेरे लिए तो यार देखो, मैंने पूरी मेहनत की, मैं गया, अप्रोच किया, किसी कंपनी के पास गया, उनसे बात की, तो जितना हुआ मैंने किया, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जो गिव अवे विनर्स होंगे 10 टी-शर्ट्स तो मैं आपको फ्री दूंगा, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था एक कि अगर आपको एक्स्ट्रा टी-शर्ट्स चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि मुझे मेल करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी, आपके मुझे कम से कम 200 से 300 से ज़्यादा मेल रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी, उनके ऑर्डर्स में अभी नहीं लूँगा, इस गिव अवे के ख़त्म होने के बाद लूँगा। जस्ट अ सेकेंड, राइट, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम टाइम है, मुझे भी जाना है, मैं भी जल्दी से अपने स्टूडेंट्स को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। और ऑल द बेस्ट टू ऑल, सबको ऑल द बेस्ट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि मे द बेस्ट पर्सन विंस, ठीक है। जिसको भी ज़्यादा ज़रूरत हो, मैं चाहता हूँ कि वो बंदा जीते, ठीक है। तो आर यू रेडी ऑल? तो सबसे पहले मुझे बता दो गाइस, तो मैं आपको ये बता दूं, एक रैस से मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। तो मुझे बता दो भाई, सबसे पहले मैं किसका खोलूं, मर्चेंडाइज टी शर्ट्स का? देखो गिटार, दोनों गिटार का लास्ट में होगा, ठीक है। तो अभी अगर तीन ऑप्शन है, मैं टी शर्ट्स का करूं, केपो का करूं, राइट, या स्ट्रिंग्स का करूं, ये बता दो मुझे। बता दो, जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे मैं उसी का पहले करूँगा। टी शर्ट्स कैपो, कैपो कैपो टी शर्ट्स, कैपो कैपो टी शर्ट्स, कैपो स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स बहुत कम लोग बोल रहे हैं, टी शर्ट्स कैपो। भाई साहब बहुत कन्फ्यूजन है रे बाबा, कैपो 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 कैपो, भाई साहब कैपो, ओके चलो चलो स्टॉप स्टॉप वेट, चलो कैपो का करेंगे, फाइनल हो गया, डन कैपो का। अब ये मुझे बताओ, क्योंकि बहुत सारे वो है ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एकदम इजी तरीके से नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब सस्पेंस होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, केपो का तो मैं करूँगा, एक एक करके करूँ, ठीक है, या 10 के 10 एक साथ कर दूँ? अब आप बताओ। देखो 10 के 10 में झटका लगता है एक साथ, तो आई थिंक आप जैसे बोलोगे, जैसे आप बोलो। एक एक करके 10 10 10 एक 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 10। ओके माय गॉड, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं काम करता हूँ, ठीक है मैं काम करता हूँ, ना ना आपकी ना मेरी, ठीक है, पांच पांच करके करें, पांच पांच करें, 5-5 केपो के, 5-5 विनर्स, क्या बोलते हो, व्हाट डू यू से? डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है एक और आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया मेरे पास। पहले मैं 5 एक एक करके करता हूँ, राइट, एक एक करके पहले 5 करता हूँ, दिल थाम के आराम आराम से, उसके बाद के जो 5 होंगे एक साथ कर दूंगा, ये सही रहेगा? दैट विल बी गुड, ओके, आई थिंक सही रहेगा, दिस विल बी गुड, ओके। सो जस्ट अ सेकेंड, I'll go back to my gleam window. एक मिनट. Oh God. चलो आ गए हम अपने गिव अवे विंडो पे, राइट, सो एक मिनट, ओके फाइन, राइट दोस्तों एक मिनट, इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक बार आप मुझे बता दो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है इस विंडो पे? आर यू एबल टू सी मी एंड आर यू एबल टू हियर मी? एक बार प्लीज़ बता दो। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मैं पीछे जाके पूछ लेता हूँ। ओके ठीक है आ रही है, राइट फाइन, आई एम बैक टू माय विंडो नाउ, ओके राइट। सो एक मिनट, राइट दोस्तों आई एम मूविंग टू माय फिनिश्ड कॉम्पिटिशंस, आई विल गो टू फिनिश्ड कॉम्पिटिशंस, राइट।
The page is opened, as you can see. यहाँ पे है सबसे पहले केपो का करना है ना. ओके, रोबस्ट डिजाइन गिटार केपो गिव अवे. ठीक है, आई विल गो टू दिस. जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल एंट्रीज आर 5,292. ठीक है, ओके, आई विल गो टू विनर सेक्शन. और जितनी भी इनवैलिड एंट्रीज थी दोस्तों, वो मैंने सारी डिलीट कर दी हैं. इनवैलिड एंट्रीज ज़्यादा नहीं थी, 10-12 थी इनवैलिड एंट्रीज. क्योंकि अगर इनवैलिड एंट्रीज को मैं यहाँ पे लेके भी आऊँगा तो वो विनर्स में काउंट नहीं होते हैं. ठीक है, तो आई हैव डिलीटेड ऑल द इनवैलिड एंट्रीज ऑलरेडी. ठीक है दोस्तों, ओके, राइट. तो सबसे पहले मैं ड्रॉ विनर्स कर रहा हूँ एक एक करके. ठीक है, तो आई विल गो टू ड्रॉ सेक्शन, आई विल ड्रॉ विनर्स, आई विल सेलेक्ट वन हेयर. ठीक है, ओके, दिल थाम के बैठो दोस्तों, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ. आई एम क्लिकिंग ऑन ड्रॉ. ओके, ड्रॉ, लेट्स सी एंड लेट्स होप कि अच्छा बंदा, मतलब जिसको जरूरत है वो जीते यार. ठीक है, ओके, आई एम क्लिकिंग ऑन ड्रॉ, लेट्स सी हु विंस. ओके, पवन खरकेटरी और खरकात्रे. ओके, पवन खरकात्रे, इनकी एंट्री नंबर है 2804 और ये है गुवाहाटी, गुवाहाटी आसाम आई थिंक, वहाँ से हैं. ठीक है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस पवन, आपने जीता है केपो, गिटार केपो. एंड बाकी बात हम करेंगे अभी, उससे पहले मैं, मुझे पांच पहले जल्दी जल्दी निकालने हैं. ओके, अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन ड्रॉ विनर्स, सिलेक्टिंग वन. ओके, ड्रॉ. आई नो ये बोर्ड के एग्जाम जैसा होता है. सेकेंड विनर इज 300 एस श्रेयस वेटी. ठीक है, और ये है मुंबई महाराष्ट्र से, राइट. ओके, चलो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रेयस, इनकी एंट्री नंबर है 5230. वाओ यार, बहुत इन्होंने मतलब काफ़ी देर में, मतलब गिव अवे में पार्टिसिपेट किया लेकिन जीत भी गए. चलो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रेयस. ओके, नाउ अगेन सेलेक्टिंग वन, ड्रॉ. ओके, होल्ड योर ब्रेथ्स. ओके, विशाल दमरी. ओके, राइट, ये भी है गुवाहाटी असम से. ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल, थैंक यू सो मच. एंड इनकी एंट्री नंबर थी 2157. ओके, चलो, अगला विनर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ. ज़्यादा आपको तड़पाएंगे नहीं, बस आने दो विनर्स को. ओके, लक्ष्य कुमार, लक्ष्य कुमार हैं दिल्ली से. वाह, दिल्ली मेरा वाला भाई. चलो ठीक है, लक्ष्य कुमार दिल्ली से, दिल्ली से मेरी काफ़ी यादें हैं यार, काफ़ी घूमा हूँ दिल्ली में. इनकी एंट्री नंबर है 1446. लक्ष्य कुमार, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़ी, आप जीते हैं गिटार केपो. नाउ अगेन लास्ट विनर, ड्रॉ. लेट्स सी, लेट्स होप. ओके, ये आया है अनमोल खतुरिया. अनमोल खतुरिया इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली और इनकी एंट्री नंबर है 4643. चलो, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द फाइव विनर्स. एंड आई गो टू बैक टू माई इंटरबिशन सेक्शन. बताओ फिर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. ठीक है, बहुत बहुत बधाइयाँ पांच विनर्स को. तो अब बताओ, पांचों का चिट्ठा एक साथ खोल दूँ कि एक एक करके खोलूँ, आप बताओ. मुझे तो देना ही है यार, मुझे तो करना ही गिव अवे, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप बताओ कि मैं एक एक करके खोलूँ, क्योंकि मुझे पता है पांच एक साथ कोई नहीं बोलेगा. ओके, पांच पांच. ठीक है, स्टिक टू माई प्लान. जैसे कि मैंने बोला था कि पांच एक साथ, तो पांच एक साथ. ठीक है, इसके बाद अभी गिटार के अपने स्ट्रिंग्स भी हैं और टी शर्ट्स भी हैं, तो फिर दिल थाम के बैठिए. इस बार मैं पांच कर रहा हूँ एक साथ डड़ल्ले से. ठीक है दोस्तों, अगेन आई विल गो बैक टू ग्लीम. ओके, नाउ अगेन जस्ट अ सेकेंड, आई विल गो बैक टू माई ग्लीम विंडो. राइट, सो आई विल चेक वंस अगेन इट्स वर्किंग ऑर नॉट. आपको लाइव दिख रहा होगा शायद, मे बी. ओके, आई एम गोइंग ऑन ड्रॉ विनर्स एंड आई एम ड्रॉइंग फाइव टोटल नाउ. राइट दोस्तों, चलो, क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस कर लो अपने फिंगर्स.
and all the best to all. I'm clicking on draw. Okay, let's see. Right. तो भाई अब कौन जीता है छठे नंबर पे? प्रत्यांश पतूना, ठीक है, ये हैं दिल्ली से, कॉन्ग्रेचुलेशंस. यर्थन बच्चन धरपान नेपाल से हैं. नेपाल से, ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि दोस्तों मैंने देखो उसका भी प्लान सोचा हुआ है कि जो आउट ऑफ इंडिया जीत रहा है ना, ऐसा मत सोचना कि उनको नहीं मिलेगा, उनके लिए भी मैंने प्लान किया हुआ है. तुम्हारा भाई सब सोच के रखता है. उसके बाद है YSTA आर्किटेक्ट्स, ये भी हैं धुले से, महाराष्ट्र. यर्थन बच्चन तो मैंने बोल दिया नेपाल से हैं. फ्रेंड्स प्लेयर है सिटी इंडिया, ओके. और है रोहन नायक, ये है मुंबई से. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. और मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, विजेट्स पे कर रहा हूँ, इनको अनाउंस कर रहा हूँ, ताकि आप जब इस लिंक पे दोबारा जाओगे तो आपको अपने नाम खुद दिख जाएंगे यहाँ पे जो विनर्स हैं. तो आई एम अनाउंसिंग, अनाउंस विदाउट एवटास, ओके. अब आप जब इस पेज पे जाओगे, होस्टेड पेज पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा विनिंग एंट्रीज. पवन के, 300S, विशाल डी, लक्ष्य के, अनमोल के, प्रत्यक्षन पी, यथार्थन बी, YSTA ए, फ्रेंड्स पी, रोहन एन. ठीक है दोस्तों, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस गिव अवे. और सो कैसा लगा आप सबको बताओ एक बारी. मज़ा आया? मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा है ये बताओ. तुमसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे आ रहा है. ठीक है, वेल राइट. सो अभी मैं ये बताऊँ किसका करूँ, टी शर्ट का करूँ या स्ट्रिंग्स का करूँ, ये बताओ. आई एम जस्ट आस्किंग यू, मैं अपने मन से कुछ नहीं करना चाहता हूँ. आई एम जस्ट आस्किंग ऑल ऑफ यू कि मैं टी शर्ट का गिव अवे करूँ या स्ट्रिंग्स का करूँ. यू ओनली टेल मी, आज आपकी चलेगी, भाई केवल सुनेगा. टी शर्ट्स का ज़्यादा हो रहा है. अभी टी शर्ट्स का भी सेम उसी फॉर्मेट में करूं या फिर 10 के 10 एक साथ, क्या बोलते हो? एक एक करके करूं? आप क्या बोलते हो? आप भी बोल रहे हो सर आप मजे ले रहे हो, यहां फटी पड़ी हुई है. सॉरी बट कोई बात नहीं, 10 के 10 एक एक करके, चलो ठीक है. राइट, मैं टी शर्ट्स का कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन टी शर्ट्स का मैं एक एक करके करूंगा, ठीक है. स्ट्रिंग्स का मैं 10 के 10 एक साथ कर दूंगा, ठीक है. टी शर्ट्स का एक एक करके करूंगा, क्योंकि टी शर्ट्स आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है. तो मैं टी शर्ट्स का कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है, फेयर है? एक बार आप परमिशन दे दो बस, इज इट गुड? कर लूँ मैं एक एक करके करूँ? ओके ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया, तो अब मैं टी शर्ट्स की तरफ बढ़ रहा हूँ और एक एक करके कर रहा हूँ. आई विल गो बैक टू ग्लीम, ओके, आई विल गो बैक टू ग्लीम. हेयर आर माई कॉम्पिटिशंस, फिनिश्ड कॉम्पिटिशंस, ओके. मर्चेंडाइज एकॉस्टिक आर्मी टी शर्ट्स गिव अवे, मैं इस पर जा रहा हूँ. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल एंट्रीज 4876 एंट्रीज टोटल हैं, ठीक है. अब मैं विनर सेक्शन में जा रहा हूँ एंड आई विल ड्रॉ एक एक करके, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट ड्रॉ विनर्स एक, आई एम गिविंग ऑन ड्रॉ, बस लेट्स सी हु विंस. ओके, एल साई पवन जीते हैं, हैदराबाद से हैं. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आपने साइज डिटेल लिखा है ब्लैक लार्ज, बिल्कुल मेरे भाई, आपको पहुंच जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है. अगेन आई एम ड्रॉइंग सेकंड विनर, ड्रॉ, कीप वेटिंग. ओके, जेसी प्रभाकर, ठीक है, हैदराबाद से हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़ी. और आपने साइज नहीं लिखा यार बड़ी आपने, चलो कोई बात नहीं, मैं ईमेल में आपसे पूछ लूँगा, डिटेल्स में मैं आपसे खुद ही पूछ लूँगा आपका साइज़ क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो ओके, ड्रॉ विनर्स, अगेन आई एम ड्रॉइंग विनर्स, लेट्स सी अब कौन जीतता है. थर्ड विनर जगत बेहरा, भुवनेश्वर से हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़ी, साइज आपका है ब्लैक लार्ज, ओके. नेक्स्ट विनर ड्रॉ. समझ सकता हूं मैं आपका दर्द दुख. एकता कंसल, वाओ यार, पहली लड़की, चलो थैंक यू कि भैया भगवान की एक लड़की तो जीती. मैं तो सोच ही रहा था कि गिव अवे में कम से कम लड़की तो जीतनी चाहिए यार, ठीक है,
क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको 22 नहीं लगना चाहिए, वैसे भी लाइव चल रहा है, 22 क्या हो गया यार। चलो एकता है दिल्ली से, एकता कंसल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, ठीक है, आप जीती हैं, थैंक यू सो मच। चलो अगेन आई ड्रॉ विनर्स, ड्रॉ नंबर 5th, लेट्स सी। तरुण ठाकुर अंबाला से हैं, थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस तरुण, आप जीते हैं टी शर्ट, आपने भी साइज नहीं लिखा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, नंबर 5 हो गए हैं ड्रॉ विनर्स, उसके बाद नंबर 6 हुआ, लेट्स सी नाउ 6 पे कौन जीतता है। ओके फ्रेंड्स प्लेयर, ओ फ्रेंड्स प्लेयर दोबारा जीते हैं, बट कोई बात नहीं दोस्तों, तो अगर दोबारा भी जीते हैं तो, क्योंकि मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि कोई दोबारा जीतेगा तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर कोई बंदे ने दोबारा पार्टिसिपेट किया भी है तो उसको ज़रूर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड प्लेयर, आपका नाम तो पता नहीं क्या है बट कोई बात नहीं, चलो ड्रॉ विनर्स अगेन, ड्रॉ लेट्स सी नाउ। आशीष मार्टिन लुधियाना से है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आशीष, ओके ड्रॉ विनर्स अगेन, 3 विनर बचे हैं अभी, आई एम ड्रॉइंग अगेन, ओके जस्टिन आहूजा है मध्य प्रदेश से, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस जस्टिन, लास्ट के 2 विनर्स बचे हैं, ड्रॉ, ओके निशांत पवार गाजियाबाद से हैं, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस निशांत पवार, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, और दोस्तों लास्ट विनर है इसका टी शर्ट का, ड्रॉ। आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी टेंशन होती है सबको, आई नो। अतुल तिवारी हैं नोएडा से, दिल्ली, ओके चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस अतुल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द विनर्स, अनाउंसिंग देम इन विजिट्स, सारे विनर्स को मैं अनाउंस कर रहा हूँ, विनर्स अनाउंस विदाउट अवतार्स, ओके ओके ये सारे मर्चेंडाइज टी शर्ट्स के विनर्स हैं, LS, JCP, जगत, एकता, तरुण, फ्रेंड्स, आशीष, जस्टिन, निशांत एंड अतुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल। राइट अगेन आई विल हेड बैक टू इंटरमिशन सेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। देखो जिसे अगर नहीं भी मिला ना तो कोई बात नहीं यार, देखो निराश होने वाली बात नहीं है, सबसे पहली बात तो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये तो किस्मत की बात होती है ना यार, कि मतलब जस्ट ऑल फेयर मीन से मैंने किया ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं अपने किसी चहेते को दे रहा हूँ, सब रैंडम हो रहा, आपको मालूम है सब सारे यूट्यूबर्स जो प्रोफेशनल बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए, एक रैंडम कमेंट पिकर होता है। अब आप लोग पूछोगे सर आपने रैंडम कमेंट पिकर से क्यों नहीं किया, वो मैंने इसलिए नहीं किया, उसका एक रीज़न ये होता है कि रैंडम कमेंट पिकर में क्या होता है ना कि वो एक सॉफ्टवेयर से डिज़ाइंड है बेसिकली, उसमें वो काम कैसे करता है वो बहुत टेक्निकल मतलब अंदर उसमें एक्सपेक्ट है, बहुत सारे आपने उसमें ग्लिच भी देखे होंगे, ठीक है, कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट कर देते हैं उसमें, तो मुझे कमेंट की इतनी दरकार तो है नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लीम सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है, आपने देखा होगा सारे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स यहीं पर करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सबको, मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ओके देखो मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, जितने भी विनर्स अभी अनाउंस हुए हैं आप सबको अपना यूट्यूब सेक्शन में अबाउट सेक्शन को अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करना है, ठीक है, तभी वो वैलिड माना जाएगा, अगर वो इनवैलिड होगा तो मैं अगले लाइव स्ट्रीम पे दोबारा अनाउंस करूँगा विनर्स को, ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि कोई भी इनवैलिड नहीं होना चाहिए, इस लाइव स्ट्रीम के बाद जाके अपना यूट्यूब सेक्शन को अपडेट करना है, ठीक है, अबाउट सेक्शन को। वो कैसे करना है वो मैंने पहले बता दिया इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है, जो अभी आए हैं उनको नहीं मालूम होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ इन्फो, और मैं बार बार बोलता रहूँगा। तो फिर चले फिर अभी स्ट्रिंग्स वाले पे 10 के 10 कर दूँ एक साथ, आप लोगों को मेरा फैसला मंजूर है या फिर मुझे चेंज करने पर मजबूर करोगे आप लोग, 10 के 10 करूँ या 5-5 करूँ, अब आप बताओ, मैं आपको डिस्काउंट ऑफर दे रहा हूँ। ओके 10 के 10 ठीक है, चलो देखा जाएगा, लेट्स सी, लेट्स गो फॉर इट नाउ, ओके लेट्स गो टू ग्लीम विंडो अगेन। राइट
So again, I'll go to competitions. I go to finished competitions. And yahan pe you can see kahan gaya D'Adrio guitar strings giveaway. I'm going to this. You can see 5275 entries are in total. I'll go to winner section and I'm drawing winners. Theek hai? Cross your fingers. I'm drawing winners. Okay, draw. 10 ke 10 ek saath kar raha hu. Let's hope for the best ki kaun jeetta hai. Okay, draw. Waiting. Tension in the house. Okay, main naam padh raha hu fatafat. Irfan Khan, Sikkar Rajasthan. Muskan Bora, Nayi Delhi se. The Guptachar, Delhi se. Shalini Nagarlao, Shillong se. Okay, very good. Owen N, Guwahati se. Rahul Saha, Guwahati se. Aman Basnet, Kathmandu, Nepal se. Badbol, Kolkata se. Piyush Jadav, Mumbai se. Anil Singh, Delhi se. Theek hai? Right, congratulations to all the winners. Thank you so much for participating. Thank you so much. Okay. ये नंबर चौथा कौन सा एंट्री था? अच्छा, मैंने नाम नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, पढ़ लिया. शालिनी नोंगलॉ, ये शिलोंग से हैं. ओके, चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स. आई एम अनाउंसिंग देम इन विजेट सेक्शन. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल. झटके में आपने काम तमाम कर दिया. इरफान, मुस्कान, द जी, शालिनी, ओवेन, राहुल, अमन, बैड बॉय, पीयूष जे एंड अनिल. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स. ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन्स ऑल. चलो भाई, तीन पारी तो ख़त्म कर दी मैंने, अब बची हैं दो पारी. सबसे इम्पोर्टेंट गिव अवे गिटार का, जो मतलब दिल थाम के बैठो आप लोग. कौन गने यहाँ पर, मुझे कौन बनेगा करोड़पति वाले जो ट्यून होती है ना, वो डालना चाहिए. टंग 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 टंग, वैसी फीलिंग आ रही है ना. चलो, ओके, राइट दोस्तों. सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं करूँगा. ठीक है, और आज तो मैंने गिटार भी कनेक्ट नहीं किया है जानबूझ के, इसीलिए कि मुझे जल्दी भी जाना था. ठीक है, और मैं चाह रहा था कि गिटार कनेक्ट करता तो उसमें टाइम वेस्ट होता, क्योंकि आपको गाना भी नहीं सुना पाऊँगा आज मैं. कोई बात नहीं, बट नेवर माइंड. देखो अभी टाइम कितना बज रहा है, अभी हो रहे हैं 7:10. ठीक है, अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है. मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि आप चाहते हो कि मतलब कि ऐसे गिव अवे होते रहें, आप मुझे बता दो एक बारी. डू यू वांट कि ऐसे गिव अवे रैंडम मैं करता रहूँ? वैसे मैं रैंडम गिव अवे करता रहता हूँ. डू यू वांट इट? ओके, ठीक है दोस्तों. यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ. स्पेशल अनाउंसमेंट है. ठीक है, एक मिनट, मुझे लेट मी चेक माई फ़ोन, क्योंकि मैं कुछ बोलना चाहता था, आपको दिखाना भी चाहता था. जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट. राइट दोस्तों, एक इंस्टाग्राम पे एक मेरे स्टूडेंट हैं, उनका नाम है नितिन तुनवल. राइट, नितिन तुनवल है. नितिन तुनवल ने इंस्टाग्राम पे मुझे एक पोस्ट फोटो भेजा था, जो आपको मालूम होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. दोस्तों, ये वो फोटो है, ये वाला आप देख सकते हैं. बंदे ने ये ड्राइंग बनाई थी, एंड आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद इट. तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा भाई, मैं तुझे एक गिफ्ट ज़रूर दूंगा, एक सरप्राइज़ गिफ्ट ज़रूर दूंगा. तो मैंने उसको पर्सनली मैसेज करके बोला था कि मतलब तुझे टी शर्ट चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए, तुम बता दो, मैं सबके सामने गिव अवे अनाउंसमेंट में ही उसी वीडियो में अनाउंस कर दूंगा कि वट आई एम ऑफरिंग यू. तो वट ही हैज़ रिप्लाइड मी, आपको सुन के मतलब बड़ा प्राउड फील होगा. वट ही हैज़ रिप्लाइड मी, ही टोल्ड मी, सर आई ऑलरेडी हैव यामा F310, वन मोर फेवर, बस सर अपने अकाउंट में मेरा फोटो पोस्ट कर दो. ठीक है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा. आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. राइट, क्योंकि यार लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, गिफ्ट तो मैं उसको दूंगा, क्योंकि आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट फोटो, सीरियसली. सो आई एम अनाउंसिंग नितिन तुनवल, क्योंकि आई नो आप वीडियो शायद देख रहे होंगे. तो नितिन तुनवल, आई अनाउंस यू कि मैं आपको गिटार के स्ट्रिंग्स, जैसे आपने बोला कि आपके पास यामा F310 है, तो आई गिव यू टी शर्ट नहीं दूंगा आपको, मैं आपको स्ट्रिंग्स दूंगा, ताकि वो आपके काम भी आए. ठीक है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन नितिन तुनवल, आपको स्ट्रिंग्स का एक सेट मैं गिफ्ट दे रहा हूँ मेरी तरफ से. इन्जॉय, जी लो अपनी लाइफ. ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर, और आपकी जो फोटो मैं अपनी स्टोरी में ज़रूर पोस्ट करूँगा. ठीक है, आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा. चलो, थैंक यू सो मच, ये मुझे बात आपसे शेयर करनी थी बस केवल दोस्तों.
ओके फाइन, चलो किसी ने नीचे लिखा है कि नितिन चैट ओपी इन द चैट, चलो ठीक है, चलो देख लो नितिन, आपको भी मैंने गिफ्ट दे दिया है, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। सो बढ़ते हैं अपने अगले गिव अवे की तरफ, गिटार गिव अवे जो है प्लूटो का, राइट, यामाहा का लास्ट में करेंगे, और यामाहा के गिव अवे से पहले बहुत सारी बातें करेंगे पहले, उसके बाद ही वो अनाउंसमेंट होगा, ठीक है दोस्तों, राइट। सो बढ़ते हैं पहले प्लूटो के गिव अवे में, कर दूं, कर दिया जाए, चिट्ठा खोल दिया जाए, हो जाए प्लूटो गिव अवे, एक बार प्लूटो स्पैम कर दो चैट में, यामा की बारी जब आएगी तब करना, एक बार प्लूटो 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 स्पैम कर दो, मजा आ जाए जो देख के मुझे, राइट। मुझे बस केवल प्लूटो प्लूटो दिखना चाहिए, प्लूटो 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 प्लूटो। या दैट्स इट, एकदम स्पीड पे सटासट सटासट, जब आप लाइव स्ट्रीम का वीडियो लास्ट में देखोगे तो मजा आएगा, वैसे आपको दिख ही रहा होगा लाइव स्ट्रीम पे, तगड़ी स्पैम चल रही है एकदम खतरनाक वाली। चलो थैंक यू सो मच। ओके नाउ गोइंग अगेन टू ग्लीम सेक्शन, एंड आई होप कि बेस्ट बंदा, डिजर्विंग बंदा इसे जीते यार, सीरियसली, ठीक है, क्योंकि आई नो गिटार सबके लिए कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, एंड आई प्रे टू गॉड कि यार प्लीज़ डिजर्विंग बंदे को ये मिले, ठीक है दोस्त। ओके आई एम गोइंग टू कॉम्पिटिशन्स नाउ, फिनिश्ड कॉम्पिटिशन्स। ओके प्लूटो गिव अवे ये रहा, ओके इसकी एंट्रीज आप देख सकते हैं, 5984 एंट्रीज है टोटल, और विनर बनेगा केवल एक बंदा, ठीक है, बहुत नाइंसाफी है। तो प्लूटो HW39 गिटार का ये गिव अवे दोस्तों, सो आई एम गोइंग टू विनर सेक्शन, दिल ठाम के बैठिए, बस आई एम ड्रॉइंग इट इन अ मोमेंट, ठीक है, मैं आपको बस 30 सेकेंड या 40 सेकेंड्स दूंगा, आप लोग प्रे कीजिए अपने लिए, मैं तो आप सबके लिए प्रे करूंगा, ठीक है। ड्रॉ बटन पे क्लिक करने से पहले आई होप द बेस्ट पर्सन विंस दिस गिटार, ठीक है, क्योंकि ये गिटार 6,500 या 7,000 का है, आई नो दैट, अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया है, जब कोई बंदा जीतेगा तभी मैं उसको ऑर्डर करके भिजवाऊंगा, ठीक है। ओके सो होल्ड योर ब्रेथ नाउ, ऑल योर पेयर्स, अपने दिमाग में अपने देवता को याद करो, अपने जो घर के देवता होते हैं उन्हें याद कीजिए, ठीक है। चलो ओके, जोक्स अपार्ट, आई एम ड्रॉइंग इट, ओ गॉड मुझे इतनी टेंशन हो रही है आपसे ज़्यादा कि किसे मिलेगा किसे मिलेगा। ओके ड्रॉ, लेट्स सी नाउ हु विंस दिस गिटार। कूल, पवन सिंह ठाकुर फ्रॉम भोपाल, पवन सिंह वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, 5016 एंट्री है आपकी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने जीता है प्लूटो का HW39 गिटार, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन पवन, और फोटो भी आपने हीरो वाली लगाई है, ठीक है, तो गिटार पकड़ के आप एकदम हीरो लगे हुए हो और, ठीक है। चल मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, और आई एम रियली हैप्पी कि चलो आपको गिटार मिला। तो एक बात और कहना चाहूँगा दोस्त कि आपको गिटार मिला है, हमेशा उसकी इज्जत करना, ठीक है, गिटार की हमेशा इज्जत करना, उस जितनी इज्जत आप गिटार की करोगे उतनी इज्जत सरस्वती माँ आपकी करेगी, बिकॉज म्यूज़िक सरस्वती माँ की देन है, ठीक है, तो हमेशा गिटार की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने गिटार को मतलब बस जीत लिया तो कर दिया उसका कांड, ठीक है। चलो आई एम अनाउंसिंग योर नेम इन द एवटार सेक्शन, अनाउंस विदाउट एवटार, ओके ठीक है। पवन सिंह, पवन आपको मालूम होगा अगर अगर आप लाइव देख रहे हो तो आपको अपने यूट्यूब पे जिस मेल से आपने एंट्री की है उसी मेल को अपने यूट्यूब अबाउट सेक्शन में अपडेट करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शायद आपने अभी ज्वाइन किया होगा, मुझे पता नहीं है, या फिर आप पहले से देख रहे हो, तो प्लीज़ अपने यूट्यूब अबाउट सेक्शन को अपडेट करना है, आपको मेल वहाँ पर अपडेट करना है, और इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया वो करना कैसे है, तो आप देख लेना वहाँ जाके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं एक बारी अपनी पूरी अकॉस्टिक फैमिली से चाहता हूँ कि एक बार पवन को सबके सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दो, आपका भाई जीता है, ठीक है, एक बार सबके सब चैट पे पवन कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दो यार, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करो, आप लोग, आप ही का भाई जीता है,
ठीक है, नाराज होने वाली बात नहीं है, किसी ना किसी ने तो जीतना ही दोस्तों, 5700 एंट्रीज में से कोई एक विनर तो होना ही था, है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पवन, एक बार सबके सब कॉन्ग्रेचुलेशंस पवन बोल दो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच पवन सिंह ठाकुर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट, आई एम रियली ओब्लाइज्ड। ओके, सो जो डिटेल्स हैं मैं आपको, जितने भी विनर्स हैं डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा सबको, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आप कोई टेंशन मत लेना, कोई मुझे ईमेल मत करना, मैं आपको खुद ही मेल कर दूंगा, सब कुछ वेरिफिकेशन मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना गिफ्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इससे पहले जो चार विनर्स थे उनको भी पूछ लेना आप, चाहे कैसे पूछोगे चलो मेरे के मैं बताना चाहता हूँ लाइव कि उन चार विनर्स को भी मैंने ऐसे ही मेल किया था और सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल स्ट्रिंग विनर्स, टी शर्ट विनर्स एंड कैपो विनर्स, राइट। और अब वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों कि जब यामा F310 का अनाउंसमेंट होने वाला है। आई नो दिस गिटार मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि गिटार ही भाई साहब 10,000 से ऊपर का है, एंड दैट्स अ सुपर ब्रांडेड गिटार फ्रॉम यामा। प्लूटो भी बहुत अच्छा ब्रांड है, प्लूटो इज ऑल्सो ब्रांडेड गिटार, राइट। सो ऐसे गिव अवे मैं और लेके आऊँगा बाद में भी, ठीक है। और अभी कहानी का ट्विस्ट ये है कि इस गिटार का जो गिव अवे है वो मैं इस बार नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले लाइव स्ट्रीम में करूँगा, ठीक है। ये बहुत सस्पेंस था, ठीक है ना मुझे पता आप सब लोग कमेंट में फटाफट लिखने वाले हो कि सर नहीं आज ही होगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तुम्हारे भाई का मजाक करने की बहुत गंदी आदत है और बहुत अच्छी आदत भी है, आज ही होगा, टेंशन मत लो। मैं कौन बनेगा करोड़पति की तरह नहीं करूँगा यहाँ पे कि होटर बज गया टू, अरे भाई टाइम हो गया अब मिलेंगे अगले रविवार दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, आज ही होगा, ठीक है। सबका आज होगा हिसाब किताब पूरा बराबर एक साथ, ठीक है। ओके, सो दोस्तों उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ, ठीक है। अनाउंसमेंट ज़रूर होगी, लेकिन उस गिव अवे के अनाउंसमेंट में क्या मज़ा आएगा जहाँ सस्पेंस ना हो, थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए ना। तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत एकदम से स्पीड से हो रहा है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आप लोगों से बात करता हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों से बात नहीं की है, आई विल जस्ट एक एक करके आप सबका नाम पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। आशु कुमार, कुणाल, नितिन सिंगर, बॉय प्रिंस, सिद्ध सिंह, निधि अवनी, रुबेन, पवन, प्रिया, 7C, आर्यन, बाप रे अब तो स्पीड ऐसे बढ़ जाती है कि मुझे फिर पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। अतुल, लेकिन मुझे समझ में फिर भी आता है। अजय, हरे कृष्ण, राइट। देखो आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इससे पहले तो मैं छुट्टियों पे था, अभी मैं फ़िलहाल घर पे था, छुट्टियों पे था, और मैं अपने घर भी गया, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे व्लॉग शूट किया, तो अभी काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि सर आपने अपना व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं व्लॉग का सेपरेट चैनल खोलना चाहूँगा दोस्तों, आई डोंट वॉन्ट टू मिक्स अप म्यूज़िक एंड व्लॉग इन द सेम चैनल, है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो म्यूज़िक का सेपरेट रहेगा, व्लॉग का दिक्कत अलग करेंगे हम लोग, अलग से चैनल खोलेंगे बाद में। व्लॉग मैंने पूरा शूट के लिए, बहुत मज़ा आया दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि कभी फ्यूचर में मैं कभी जाऊँ तो आप लोग भी प्लान बना के कि उत्तराखंड आओ यार, ठीक है। कभी मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे 4-5 स्टूडेंट अगर प्लान करते हैं, आते हैं तो घूमेंगे एक साथ, आई विल टेक यू ऑन ट्रैकिंग, ऐसी ऐसी जगह लेके जाऊँगा मैं कसम से बता रहा हूँ आपको, जो आप कभी गए भी नहीं होंगे, ठीक है ना। उत्तराखंड वालों को ज़रूर मालूम होगा, जितने भी मेरे भैजी दगड़े छनियक, ठीक है ना, या मेरा भैजी, मेरी बहनी, मेरे दगड़े बोला, ठीक है, ऊँ तो ज़रूर मालूम बोलू। मैं गढ़वाली में बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि गढ़वाली भाई लोगों को ओपी चैट इन द स्पैम, ठीक है। मेरे सारे गढ़वाली भाइयों लोगों को, भैजी लोगों था मेरा नमस्कार, ठीक है, बैबड़ो, तो उनको मालूम है कि उत्तराखंड में घूमने में कितना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो आप सब कभी जब इंस्टाग्राम पे मेरा पोस्ट देखते हो, या आप उस टाइम पे बहुत फ्री हो, या छुट्टी पे हो, या आपका कहीं घूमने का प्लान है, तो आप सीधे कहीं मत जाओ, मेरे घर आओ, ठीक है। विल गो फॉर अ कैंपिंग, विल हैव लॉट ऑफ फन, ठीक है। कैंपिंग में, ट्रैकिंग में, आई नो कि ट्रैकिंग सबका बहुत बड़ा हॉबी है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत मज़े करते होंगे, ठीक है, उनको मज़ा आता होगा ट्रैकिंग में। कैन आई सी
कितने लोग मतलब कि आप लोगों को ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है, एक बार मुझे ट्रैकिंग ट्रैकिंग करके एक बार बताओ जरा मुझे, लेट मी सी कि मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर्स को ट्रैकिंग में इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्ट है, एक बार मुझे बता दो, आई वॉन्ट टू सी। ठीक है, हम लोग ज़रूर चलेंगे यार, मैं तो कई बार से प्लान करता हूँ कि जब मैं छुट्टी पे हूँ तो कोई तो आए मेरे पास, है ना, हम लोग चलेंगे मिलने के लिए। बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, तो काफ़ी लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, लेकिन वो मिलते हैं उससे चले जाते हैं, बट दे नेवर टेल मी कि सर कहीं घूमने चलेंगे, सर कहीं प्लान बनाएंगे। आई नो कि एज अ स्टूडेंट वो लोग थोड़ा हिचकिचाते भी होंगे, बट हिचकिचाने वाली बात नहीं है दोस्तों, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको ऐसी ऐसी जगह लेके चलूँ जहाँ आपको मज़ा आए, है ना। अब एक जो जगह मैंने बताई मधमेश्वर, जहाँ मैं गया था ट्रैकिंग में, दोस्तों आप वो वीडियो देखना, कसम से बता रहा हूँ, आप वो वीडियो एक बार देखना, मतलब क्या जगह है वो। आपने इंस्टाग्राम पे मेरे ऑलरेडी देख ली होगी पोस्ट, इट्स एन ऑसम प्लेस, आप बोलोगे यार क्या जन्नत जगह है, जन्नत। आप बहुत, आप में से बहुत लोग शायद गए भी होंगे, ठीक है, आप लोग कई सारे लोग गए होंगे, बट आई वॉन्ट प्लीज़ कि आप लोग कभी अप्रोच किया करो, या कभी आते हो मेरे घर श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में आते हो तो प्लीज़ आप ज़रूर आइए, ये ऑल आर वेलकम, हम लोग बहुत मस्ती मारेंगे, बहुत घूमेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके सो नाउ अभी बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है, सो अब चलते हैं हम अपने लास्ट पड़ाव पे, जो है अपने गिव अवे का लास्ट पड़ाव, यामाहा F310 गिटार। उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यामा F310 के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो एक बार मुझे चैट में बता दो, जो भी आप जानते हो एक बार बता दो, आप वट एवर थिंक आप यामा F310 के बारे में क्या जानते हो। एक स्पेशल चीज़, ये मत बोलना कि उसमें 6 स्ट्रिंग होती है, ठीक है, या फिर वो होता है, जो स्पेशल चीज़ आपको लगती हो यामा F310 में, क्या चीज़ है ऐसी आप बताओ। गॉड ऑफ गिटार्स, वेरी गुड, ये बहुत स्पेशल कमेंट है, मतलब ऐसा कमेंट मतलब हो ना कि मतलब जो मज़ा आ जाए पढ़ने में, बहुत बढ़िया यार भाई, वो तुम्हारा नाम नहीं पढ़ पाया यार, गॉड ऑफ गिटार जिसने लिखा था, ऑसम ऑसम कमेंट था यार वो, सीरियसली। ओके बेस्ट गिटार, कूल गिटार, यार बेस्ट गिटार कूल गिटार जम नहीं रहा है इतना, गॉड ऑफ गिटार भाई ने कमेंट खतरनाक किया, लेकिन गॉड ऑफ गिटार। ओके ड्रीम गिटार, वाओ ये भी बहुत सही था, ड्रीम गिटार, यस, लेट मी सी कि आपके अंदर कितनी वो है, क्रिएटिविटी है, आप कैसे मतलब क्रिएटिव हो, लेट मी सी हाउ मच क्रिएटिव यू आर, लेट मी सी योर कमेंट्स, एक मिनट मैं आपके कमेंट्स ना वैसे पढ़ूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके गिटार का बाप ये भी सही है ओके गुड, दैट वॉज रियली क्रिएटिव, गिटार का बाप, सोल ऑफ गिटारिस्ट, हाँ ये भी सही है। ओके मैं पढ़ रहा हूँ अभी, आई एम स्क्रॉलिंग, बहुत सारे लोगों का पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सबसे मज़ेदार लगेगा मैं वही अनाउंस करूँगा, लेट मी सी, ब्रह्मास्त्र, अरे भाई भाई पैर का है तुम्हारे, कसम से यार ये तो खतरनाक ही था, ब्रह्मास्त्र, वेरी गुड, ये थोड़ा बहुत क्रिएटिव था, मज़ेदार था यार एकदम, ब्रह्मास्त्र सही था यार। जहरीला गिटार गुड, ये भी अच्छा था, आप लोग क्रिएटिव बनते जाओ, मैं जस्ट पढ़ रहा हूं किसका तगड़ा है। ओके क्रिएटिव, आई वॉन्ट क्रिएटिव, आई वॉन्ट क्रिएटिव, भोकाल गिटार, ये भोकाल गुड। ओके सर्वगुण संपन्न गिटार ये भी बढ़िया था, महर्ष रावत, रावत खतरनाक ही होते हैं, गुड। ओके अच्छा मैं ठीक पढ़ लेता हूँ एक एक करके, लेकिन जो मुझे मज़ा आएगा उसी को मैं वैसे करूँगा। माई एम गिटार,
पहाड़ी गॉड. पहाड़ी गॉड किस लिए? एक्सपेंसिव गिटार, गिव अवे गिटार, लॉर्ड ऑफ गिटार, रोजवुड गिटार, पहाड़ी भाई का हथियार. ये भी क्रिएटिव था. गुड. फ्रेटबोर्ड अच्छा है. प्लास्टिक गिटार, प्लास्टिक साउंड ओपी. ड्रीम ऑफ ऑल गिटारिस्ट, गिटारिस्ट की धड़कन. यामा गिटार, एक्सपेंसिव गिटार. ओके. गिटार ऑफ फायर, लव योर चैनल. बाप ऑफ गिटार, ये तो हो गया यार. गेमिंग गिटार, किंग ऑफ साउंड. भोकाल गिटार, ड्रीम ऑफ गिटार, ब्रह्मास्त्र, वो तो हो गया. किंग ऑफ गिटार, गोस्ट ऑफ गिटार, जहरीला गिटार, ये भी हो गया. वेन ऑफ गिटार्स, ये भी ठीक है. मिर्जापुर की गद्दी इस गिटार की है. भाई तेरा ऑब्जर्वेशन बड़ा खतरनाक है यार. ओके. सबका बाप आया. ओके. रोनाल्डो ऑफ गिटार, एपिक गिटार. खरीदने की औकात नहीं है मेरी. ऐसे मत बोलो यार. ठीक है, अपने को उस लायक बनाओ कि आप उस औकात में उसे खरीद सको. हमेशा अपने को उस लायक बनाओ. ठीक है, ऐसे कभी मन कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरी औकात नहीं है. अपने को उस लायक बनाओ. एवरलास्टिंग गिटार, पहाड़ी गॉड, माइक क्रश, सुपर से ऊपर गिटार, सर्वगुण संपन्न गिटार. चलो ये तो बहुत सारे हो गए. गिटार का बादशाह, नेशनल गिटार ऑफ इंडिया. वाह, तगड़ा कमेंट. मिरेकल गिटार, ड्रीम ऑफ एवरी गिटारिस्ट, रियल गिटार सोल, एस्थेटिक गिटार, सपना हर गिटारिस्ट का. ओके. ठीक है यार, चलो बहुत सारे नाम पढ़ लिए, अब ख़त्म करते हैं इसके और अनाउंस करते हैं अपना लास्ट जो फेज़ है, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम पास करना था आपके साथ. बहुत टाइम से आपके साथ इंट्रैक्शन हुआ नहीं है. ठीक है, क्योंकि कभी बहुत टाइम हो गया था, 40 days, मतलब शायद मैं घर पे था अपने, तो काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं डाला, लाइव भी नहीं आया, तो इसलिए आप लोगों से ज़्यादा प्यार हो जाता ना, इसलिए फिर मुझे बात करनी पड़ती है आपसे. इसलिए चलो, तो होल्ड योर ब्रेथ्स, एक बार स्पैम कर दो दोस्तों चैट में. यस 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 यस. शैल आई अनाउंस द नेम? शैल आई अनाउंस द विनर ऑफ यामाहा F310 गिटार? बता दो एक बारी. ओके, कूल, राइट. तो दोस्तों हियर यू गो. ओके, देखो अभी 7:30 हो रहा है एग्जैक्टली. ये मेरे लाइव स्ट्रीम का टाइम होता है. ठीक है, बहुत सारे लोग अभी वो लोग ज्वाइन किए होंगे जिनको ये नहीं मालूम होगा कि आज मैंने लाइव स्ट्रीम 6:30 बजे स्टार्ट कर दिया था. तो मैं उनको बता दूं कि 4 गिव अवे के अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं इसी वीडियो में. अब लास्ट अनाउंसमेंट बचा है यामाहा F310 गिटार का, जो अब मैं कर रहा हूँ. ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं वो आप लोग देख लेना. ठीक है, बाद में. और लास्ट बार एक बार फिर से बता रहा हूँ सबके लिए कि इस वीडियो में मैंने ये बताया है, जितने सारे विनर्स अभी अनाउंस हुए हैं उनको अपने यूट्यूब पे अबाउट सेक्शन में अपना ईमेल अपडेट करना है, जिस ईमेल से उन्होंने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है. अगर गिव अवे का ईमेल और चैनल का ईमेल अलग अलग हुआ तो वो एंट्री इनवैलिड हो जाएगी और मैं उसी विनर्स को डिसक्वालीफाई कर दूंगा और अगला विनर अगले लाइव स्ट्रीम में दोबारा अनाउंस होगा. आई विल लेट इट यू नो बाय द स्टोरी ऑफ इंस्टाग्राम कि ऐसा सा कुछ हो गया है. ठीक है दोस्तों, सो होल्ड योर ब्रेथ, आई एम गोइंग टू ग्लीम एंड लेट्स सी हु विंस दिस गिटार. मे द बेस्ट मैन विंस. ठीक है, चलो आई एम गोइंग टू ग्लीम विंडो नाउ. ओके, आई एम हियर. I'll go to competitions. Finished competitions. And only एक बचा है Yamaha F310 गिटार का giveaway. बाकी के सारे winners के नाम announce already हो चुके हैं. ठीक है, वो आपको मैं बता चुका हूँ. Right दोस्तों, so जैसे कि आप देख सकते हैं कि total entries are 6856. ठीक है दोस्तों, 6856 आर द टोटल एंट्रीज ऑफ दिस गिव अवे. एक सेकेंड दे दो मुझे, जस्ट अ सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है. एक सेकेंड.
राइट आई एम डन. आई विल गो टू विनर्स सेक्शन नाउ. इनवैलिड एंट्रीज ऑलरेडी सारे डिलीट हो चुके हैं पहले से ही, ठीक है. सो नाउ प्लीज क्रॉस योर फिंगर्स हु विल बी द विनर ऑफ यामाहा F310. ओके ड्रॉ विनर्स. अब ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा आप लोगों को. आई एम ड्रॉइंग विनर्स, ठीक है. दिस इज द लास्ट गिव अवे जो हो रहा है. इससे पहले सारे विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि इस यामाहा गिटार को बेस्ट लड़का या लड़की दोनों में से कोई जीते, ठीक है. आई विल क्लिक ऑन ड्रॉ ऑन द काउंट ऑफ 5. 1, 2, 3, 4, 5 गो. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अपने लिए प्रे कर लो सबके सब. मेघा गुप्ता, ओ माय गॉड, मेघा गुप्ता लड़की. मेघा गुप्ता फ्रॉम लखनऊ. बाप रे बाप, लड़की जीती है यार. चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे भी बड़ी खुशी हो रही कि चलो लड़की जीत गई यार, कोई दिक्कत नहीं हुई. चलो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेघा गुप्ता, बहुत बहुत बधाई हो आपको. आप लखनऊ से हैं, आप जीती हैं यामाहा F310 गिटार. मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था ये, क्योंकि मुझे पता नहीं था यार, क्योंकि मैं जब अपनी एंट्रीज देख रहा था यहाँ पे, इतनी सारी एंट्रीज में थे लड़कियों की एंट्रीज, मतलब 1000 या 1200 थी, बाकी सारे लड़कियों की एंट्रीज थी. तो प्रोबेबिलिटी देख लो आप, ठीक है. चलो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेघा गुप्ता आपको. अनाउंसिंग विनर्स इन द विजेट सेक्शंस आपको मैं अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, योर नेम इज अनाउंस इन द विजेट सेक्शंस. मेघा जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. और दोस्तों एक बार इंटरमेशन सेक्शन में प्लीज़ स्पैम कर दो मेघा का नाम, ठीक है. कॉन्ग्रेचुलेशंस मेघा, एक बार सबके सब प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो यार मेघा को. शी हैज़ वॉन, ठीक है. एक बार सबके सब बोल दो यार, ठीक है. उसे भी अच्छा लगेगा. विनर्स को सबके सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो. एंड थैंक यू सो मच सबके लिए. दिस वॉज अ वेरी स्वीट गिव अवे आप लोगों के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट 1 मिलियन फैमिली, एकॉस्टिक आर्मी फैमिली. सबके सब जो भी विनर्स हैं, मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, पूरी एकॉस्टिक आर्मी की फैमिली की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन पार्टिसिपेशन के लिए. सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी विनर्स को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद फॉर पार्टिसिपेटिंग और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. और जो भी जीता है शायद ये आपके लिए मेरी तरफ से न्यू ईयर का गिफ्ट होगा. इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है कि आपका सेंटा क्लॉज मैं ही बन के आ गया इस बार क्रिसमस पे, ठीक है. चलो जिन जिनको भी गिफ्ट मिला है थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत बधाई आप सबको. एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ईच एंड एवरी वन लव यू ऑल. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. पार्टी करो, जम के करो, दिल खोल के पार्टी करो, रज के पार्टी करो, ठीक है. लेकिन सेफ रहो, सावधान रहें, सुरक्षित रहें. सबको बहुत बहुत प्यार दिल से. आई लव यू ऑल. और बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है. और इस सेशन को अभी यहीं पे एंड करते हैं. सारे के सारे विनर्स को एक बार दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आप सबको मेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद मेल कर दूँगा आपको, कोई टेंशन मत लेना. जितने भी विनर्स हैं सबको मैं ऑफिशियल, मेरी ऑफिशियल एकॉस्टिक पहाड़ी आईडी से, sandyastronomer@gmail.com से मेल आ जाएगा. क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको, आपकी जो मतलब आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब मैं आपको दूंगा. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस लाइव स्ट्रीम. थैंक यू सो मच. और अब तो मैं छुट्टी पर आ गया हूँ, तो लाइव स्ट्रीम होते रहेंगे और छोटे मोटे गिव अवे होते रहेंगे. टिल देन टेक केयर. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू.